अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जनाब, आज की जो रेमेडी है वो है बालों के लिए एक मैं बहुत ज़बरदस्त हेयर पैक बना रही हूँ, जिसमें आप एलोवेरा को यूज़ करेंगे, साथ में एक बनाना ले लेंगे और आप मायोनीज़ का 20 रुपीज़ वाला सैशे ले लेंगे, 2 चम्मच दही लेंगे और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल लेंगे और अंडों की जर्दियाँ आप चाहे 2 डाल लें या 3 डाल लें, इट्स अप टू यू। तो जनाब, आप ग्राइंडर का एक जग लेंगे और उसमें अब हम सारा मटेरियल जो है इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बनाना को छिलकों समेत डाल देंगे। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप पील ऑफ करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी में मैं छिलकों समेत बनाना जो है ऐड करूँगी। और ये देखिए, बनाना मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें अब एग्स डाल दूँगी। मेरे पास एग की योक थी 3 एग्स की, आप चाहें तो 2 अंडों के डाल लें, नहीं तो आप पूरा अंडा भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, एलोवेरा का मैंने पीस लिया है इतना सा, जिसको मैंने वॉश करके कुछ देर रख दिया था और येलो कलर का एक फ्लूइड सा निकलता है उसमें से, जो कि हम नहीं यूज़ करते। उसके बाद में उसको मैंने, अब ये देखिए, इसको पील ऑफ कर रही हूँ मैं, और पील ऑफ करने के बाद मैं ये एलोवेरा भी ग्राइंडर जग में ऐड कर दूँगी। और एलोवेरा को तो आपको पता है कि ये स्किन और हेयर के लिए कितना यूज़फुल है और कितना बेनिफिशियल है। तो जनाब, एलोवेरा ऑलमोस्ट जो है पील ऑफ हो चुका है और अब मैं इसको जग में ऐड करने लगी हूँ। तो आप ये देख रहे हैं, अब ये एलोवेरा जो है मैंने जग में ऐड कर लिया है। अच्छा, इसके साथ ही जो दही है, ये मैं 2 चम्मच के करीब दही इसमें ऐड करूँगी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि कंसिस्टेंसी जो है ना, वो ज़्यादा ही वो लिक्विड सी हो जाती है मास्क की। ये हेयर मास्क है जो आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, कोकोनट ऑयल है जिसको मैंने थोड़ा सा ओवन में मेल्ट कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ हैं तो इसमें ये जम जाता है। अच्छा, ये 2 चम्मच के करीब जो है ना कोकोनट ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब ये 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के चले गए हैं और अब जनाब रह गई है मायोनीज़। तो मायोनीज़ का सैशे मिलता है, अगर किसी के पास बड़ा पैक है आप उसमें से भी 2 चम्मच ले सकते हैं, और मैंने तो ये सैशे मंगवा लिया था। तो अब मैं इसको ओपन करके तो 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मैं 1 चम्मच पहले मायोनीज़ का डाल रही हूँ और अब मैं 2 चम्मच मायोनीज़ का फिल करने लगी हूँ, क्योंकि सैशे से निकालने में आपको पता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये मैं 2nd स्पून जो है फिल कर रही हूँ मायोनीज़ का, और अब मैं ये 2 चम्मच इसमें जग में डाल लूँगी। अब आपने इस सारे मटेरियल को ग्राइंड कर लेना है बहुत अच्छी तरह से, कुछ टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से आपने इस सारे मटेरियल को ग्राइंड करना है, एंड एट द एंड आपको ये इस तरह की फॉर्म में सारा मटेरियल मिल जाएगा। आप किसी भी बाउल में इसको निकाल लें, और इस मटेरियल की मैं कंसिस्टेंसी आपको शो करा दूँगी अभी। तो ये मटेरियल, ये हेयर मास्क आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपके बालों को एक बाउंस देता है और आपके बालों को बहुत ही सिल्की और सॉफ्ट बना देगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा। और जैसे कि आगे आगे फंक्शंस आ रहे हैं, शादियां भी आ रही हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी जाने से पहले, और अदरवाइज़ भी आप इसको 1 वीक में 2 दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करें। चलें जी, अब ये मटेरियल मैं अपने सर पे जो है ये लगाने लगी हूँ, और इसको लगाने के बाद मैं सर के ऊपर एक शॉपिंग बैग सा रैप कर लूँगी, चढ़ा लूँगी, जिसके साथ पसीना हल्का सा आएगा सर में और ये मटेरियल जो है ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अंडों में से जो एग वाइट निकलेगा उसको आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, अंडे की सफ़ेदी मैंने फेस पे अप्लाई की हुई है। इससे क्या होता है कि ये आपकी स्किन को एक ग्लो देता है और आपकी स्किन टाइटन कर देता है। इससे आपकी स्किन के जो भी आपके फ्रेकल्स हैं या लाइट से रिंकल्स हैं वो दूर हो जाते हैं। आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर आजमाइएगा, और ये आपके हेयर और फेस के लिए बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। 1.5 से 2 घंटे आप इसको बालों में लगा रहने दें और उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं, और आप बालों में एक बहुत ही पॉजिटिव बाउंस फील करेंगे। अच्छा, बाल वॉश करने के बाद आप लाइट सा कंडीशनर भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी इट्स ओके, आपको अपने बाल बहुत ही सिल्की स्मूथ और बहुत ही फुल ऑफ वॉल्यूम लगेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।